दोस्तों 23 जुलाई से ओलंपिक स्टार्ट हो गए थे और भारत ने इसमें हिस्सा लिया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने अभी तक कोई भी गोल्ड नहीं जीता था और केवल 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने अभी तक जीते थे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि भारत ने आज एक नया इतिहास रच दिया है। भारत के लिए आज एक गर्व का दिन है, क्योंकि आज यानी कि 7 अगस्त के दिन भारत के एक वीर, भारत के एक जाबाज खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए एक ऐसा माहौल पैदा हो चुका है कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि 121 साल का जो इंतजार है वो ख़त्म हुआ है और नीरज चोपड़ा ने भारत को एथलेटिक्स में अब तक का पहला मेडल दिलाया और 87.58 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता है। जी हाँ दोस्तों, अभी की ही ये ताज़ा खबर आ रही है। तो नीरज चोपड़ा, इन सभी को भारत की तरफ से, भारत के प्रत्येक नागरिक की तरफ से जय हिंद, जय भारत।